खबर कराहल से है, जहां जनपद कराहल के पंचायत मोरावन जहां किसी को अधिकारियों का कोई डर भय नहीं है। आधे दिन में ही पंचायत का ताला डालकर सरपंच सचिव रफू चक्कर हो जाते हैं, जहां से कूनो सेंचुरी का रास्ता जाता है, जहां बड़े बड़े अधिकारी और नेताओं का आना जाना बना रहता है। वहां पंचायत ने विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी है। लाखों रुपये की बनाई हुई सीसी सड़क चंद महीनों में ही उखड़ने लगी है, जिससे मालूम होता है कि मटेरियल की गुणवत्ता क्या रही होगी। ग्रामीण आरोप लगाते हैं कि विधायक निधि की राशि भी ऐसी जगह खर्च की गई है जहां पंचायत के मुखियाओं के चहेते निवास करते हैं। मोरावन पंचायत के अदवाड़ा में लाखों रुपए के चार रपटे बनाए जा रहे हैं, जिनमें रेत की जगह डस्ट का उपयोग किया जा रहा है। रपटे का भराव भी मिट्टी बोल्डर से कर दिया गया है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये रपटे कितनी बारिश झेल पाएंगे। वहीं एक ग्रामीण ने शिकायत की है कि सामुदायिक सोखता गड्ढा जहां बनना चाहिए वहां तो नहीं बनाया गया, बल्कि मेरे घर के सामने निजी जमीन पर बना दिया गया है। हम घर वालों के विरोध करने पर सचिव ने कहा कि गड्ढे का फोटो खींच जाने दो, पंचायत से राशि निकाल जाने दो, फिर इस सोखते गड्ढे को भर देना। वहीं लोग कहते नजर आए कि सफाई के नाम पर पैसा तो खूब पंचायत द्वारा निकाला जाता है, पर सारे कस्बे में गंदगी का आलम इतना है कि लोग बेहाल हैं और कई बार शिकायत कर चुके हैं पर कोई नहीं सुनता। इन सब शिकायतों के आधार पर कहा जा सकता है कि शासन के रुपयों को किस तरह ठिकाने लगाया जा रहा है। अब इस मामले में नरेगा अधिकारी सोनू गोयल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पंचायत के किसी भी कार्य में डस्ट का उपयोग वर्जित है, हम तत्काल ही जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कार्यवाही करेंगे। सुरेश जी, ये जो डस्ट पड़ी है जो रास्ते में, ये डस्ट आप कहाँ पे लगा रहे हैं? रपटा पर लगा रहे हैं। तो रपटे पे तो रेता लगानी चाहिए। तो रेता आई नहीं रही सर, जो डस्ट ही आ रही है। मतलब रेता नहीं आ रही तो डस्ट लगा रहे हैं? हाँ। लेकिन पैसा तो रेता का निकाला जाता है। तो वो रेता आ नहीं रही नहीं चम्बल में। हाँ। आ नहीं रही है तो अपन नहीं रही तो कहाँ से आएगी? तो इससे तो अपना जो रपटा बहुत कमजोर बनेगा, तब भी लगाई जा रही है, नहीं आ रही तो बाद में बन सकता है रपटा तो। नहीं तो सर वो तो अब जय चल रही है पूरी जहाँ में जय एरिया में। सचिव कह रहा तो आप लगा रहे हैं, सचिव को पता होगा ये बात तो। सचिव तो जय मिल रही है, मतलब सचिव को पता है ना डस्ट में डस्ट लगाई जा रही है। जानकारी है सरपंच को, जानकारी है आपकी, ये रेता लग रही है और का जानकारी है। चुनाई के लिए वैसे है तो मतलब चुनाई प्लास्टर करेंगे आप? ये रेत तो नहीं है, ये तो मिट्टी है। मिट्टी नहीं मशीन की पिसी हुई है। हाँ लेकिन इसको अपन रेत भी नहीं कह सकते, रेत तो ऐसे कलर की नहीं होती। ये तो बहुत डस्ट डस्ट है, यानी डस्ट से डस्ट लगा रहे हो आप इसमें? सचिव डस्ट लगवा रहा है रपटे में? यही है चल रहा है और काम बहुत मिला ही नहीं रही रेता वैसे। यानी डस्ट से काम चल रहा है, सभी में डस्ट लगाई गई होंगी, सभी रपटों में आप ही ने बनाया? हाँ सब में ऐसी लगी है डस्ट, लगी है सब में। अशोक कुमार यादव। अशोक कुमार, जो आप यहाँ खड़े हैं, ये जो पीछे जो मकान है, ये झोंपड़ी, ये आप यहाँ पे अपना घर बता रहे हैं, आपका है ये? हाँ मेरे पिताजी का। अच्छा तो आपको क्या शिकायत है पंचायत से? पंचायत से ये शिकायत है कि ये सासर ये हमारे घर के सामने तो ये कचरा डरा है पूरा, ये गंदगी पड़ी है, इसकी साफ सफाई नहीं है कुछ भी। आप कह रहे हैं और ये गड्ढा बना हुआ है, सूखता हुआ गड्ढा, तो घर के सामने अच्छा थोड़ी लगता है। सूखता हुआ गड्ढा तो कुछ सरकारी है, उसमें होना चाहिए था ना, ये हमारी निजी जमीन है। निजी जमीन में सचिव ने, जो सचिव सरपंच है, उन्होंने गड्ढा बना दिया, आपने मना तो किया होगा? हाँ मना किया, मैंने किया, पापा ने मना किया, तो उन्होंने बोला था कि गड्ढा तो खुद जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद में तुम इसको पूर देना, जो भी हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा, वो तुम्हारी जमीन तुम्हारे पास रहेगी। नहीं तो गड्ढा खुद जाने दो, तुम क्यों खुद जाने? हमने उस पर मना करी थी, पापा ने भी मना किया था। उन्होंने क्यों कहा गड्ढा खुद जाने दो? आके फोटो पैसा निकलवाने के लिए ये फोटो खिंचवाया था, तो सचिव ने आपसे ये कहा कि हमें पैसे निकल जाने दो, फोटो खिंच जाने दो, उसके बाद आप इसको पूर देना? अच्छा तो कुल मिलाकर ये है कि पैसों के लिए शासन, पैसे की दलाली के लिए शासन के पैसों को ठिकाने लगाया जा रहा है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जमीन के सामने जो है वो उसको हटाया जाए और साफ सफाई हो जाए यहाँ से, ठीक ठीक तरीके से, यही चाहते हैं हमारी जमीन है। सही है, कुछ भी कचरा पड़ा है वो सारा। बिल्कुल सही है, ठीक है ना? बिल्कुल। दुर्गालाल जाटव। दुर्गालाल जी, क्या स्थिति है घर के आसपास की बताओ?
ये देख लो ये चारों तरफ पानी फैला है और चारों तरफ गंदगी है हमारे घर के सामने और पीछे सूखता हुआ गड्ढा है उसमें से बदबू आती है हमको। लोग बता रहे हैं कि सफाई के नाम पे तो बहुत पैसा निकाला गया है लेकिन ये सड़क तो हमें लग रही है कि बरसों से साफ नहीं हुई। हाँ आप ही देख लो ये कितना कीचड़ है और कितनी गंदगी मची हुई है यहाँ पर। और ये कब कब खुलता है जी आरोग्य धाम? ये खुलता है आज तो नहीं आए लेकिन वो खुलता है। तो वो जो गंदगी वो उनको नहीं लगती जी गंदगी? वो सब कुछ कहता ही नहीं है यहाँ पे नाली लग जाती है। हाँ क्या नाम है भैया आपका? छोटू जाटा। छोटू भाई आप यहाँ खड़े हो बाइक लेके, आपका घर इसके बाद ही होगा गली से, आपको क्या परेशानी नहीं आती इस कीचड़ से? परेशानी ज़्यादा आती है। तो आपने सचिव सरपंच से कभी कहा इस बारे में? सरपंच और सेक्रेटरी सुनते ही नहीं है किसी। सरपंच सेक्रेटरी नहीं सुनते तो आप बड़े अधिकारी से कहिए क्या चाहते हो। इनने पैसा तो बहुत निकाला सफाई का, इन्होंने सड़कें भी बनाई हैं, बहुत ख़राब सड़कें हैं, इनने कुछ डैम बनाए हैं, क्या कहना चाहते हो इन सब चीज़ के लिए, सड़कों के लिए क्या कहना चाहते हैं इन सड़कों के लिए? सड़क अच्छी बनाए जी। आप आज मोरावन पंचायत में हम खड़े हुए हैं, पंचायत ने ये सीसी रोड बनवाई है, कैसी गुणवत्ता है सीसी रोड की? और सीसी रोड की तो गुणवत्ता यही है कि जहरा वजह से ठीक है वो खाए, मतलब रोड कहीं कहीं टूट भी गई है। हाँ टूट गई है, कोई दिक्कत नहीं है पानी की तो, पर जो डैम टूट गया जो दोबारा से मतलब हो नहीं पा रहा। मतलब डैम पंचायत ने बनवाया था? नहीं पंचायत का ही है। तो डैम टूट गया, कब बना था डैम? ये तो बहुत साल है 2010। कहना चाहते हैं भाई साहब यहाँ पर सूखता हुआ गड्ढा होना चाहिए था, हेडपम्प पे पानी बह रहा है लेकिन सूखता हुआ गड्ढा यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ जहाँ पे आवश्यकता नहीं है वहाँ पे गड्ढा है, लेकिन आवश्यकता है वहाँ पे गड्ढा नहीं किया उन्होंने, सूखता हुआ गड्ढा, लेकिन सूखता हुआ गड्ढा यहाँ पर होना चाहिए था। देश भर की सेंचुरी कुनो नेशनल पार्क है यहाँ पर, यहाँ पर भारत के मतलब विदेशी लोग आते रहते हैं, तो अच्छा थोड़ी है यहाँ पर गंदी नाली पानी कतर चाहते लोगों के साथ घर के आएंगे तो बहुत से अच्छे से बना देते हैं, लेकिन जो गांव की समस्या को सुनते नहीं ठीक है।